हाय फ्रेंड, नमस्कार। तो आज हम चलते हैं गाजर का हलवा बनाने। तो आपने रेड वाले गाजर का हलवा खाए होंगे और मैं भी बहुत बार रेड वाले गाजर का हलवा बनाया, लेकिन ये पीला वाला को आज तक नहीं बनाया। तो हम इसको अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। देखिए कितना ज़्यादा गंदा है, तो हम इसको अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब हम देखिए इस गाजर को साफ़ करने के बाद पूरे अच्छे से साफ़ हो चुका है, तो फिर हम उसको छोटा छोटा पीस काट लेंगे, क्योंकि हल्का सा ये अभी का मौसम में कोई भी साग सब्जी सूख जाता है, सूखा जैसे हो गया था, तो ये इसलिए काट लिए हैं इसको। और बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे, तो आप लोग लाइन पे बने रहिए। तो उसके लिए हम 30 से 40 काजू लेंगे और 40 से 50 किशमिश लेंगे और 20 से 30 बादाम लेंगे और 4 से 5 इलायची लेंगे और इलायची को अच्छे से कूट लेंगे। तो चलिए, इधर हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। तो देखिए मेरा कढ़ाई गर्म भी हो गया और हम इसमें डाल दिए हैं घी। आप 100-200 ग्राम के आसपास घी डालिएगा। तो देखिए हम घी डाल दिए हैं। अब हम इसमें जो गाजर को साफ़ करके काटे थे उसको डाल दिए हैं। और ये मेरा बेटा जो है, तो देख रहे हैं ना, पूरे दो ठो गाजर जो है तो ऐसे ही सीधा सीधा, मतलब कटा हुआ नहीं था, पूरा ऐसे ही था, उसको डाल दिया है। तो फिर हम उसको देखे बाद में, तो उसको हम निकाल के कट कर देंगे और हर 2 से 3 मिनट पर इसको छलनी से चलाना है। तो यहाँ पे हम देखिए ये काजू बादाम सब जो था वो भी डाल देते हैं, ताकि ये भी हल्का सा इसमें फ्राई हो जाए घी में। अगर इसको घसना से अगर घसते तो फिर उसको इससे पहले, मतलब काजू बादाम सबको पहले डाल देते, हल्का घी में फ्राई कर देते, पर हम इसको काट के बना रहे हैं, घस के नहीं बना रहे हैं, इसकी वजह से अभी डाल दिए। अब मेरा ये किशमिश और इलायची को हम लास्ट में देंगे, ताकि दूध ना फटे। तो चलिए चलते हैं, हर 2 मिनट पे इसको हमको 2 से 3 मिनट पे इस गाजर को पलटना है, ताकि ये जले ना और अच्छे से घी में फ्राई हो जाए। और अभी इसे इतना टेस्ट, एकदम खुशबू दे रहा है, लेकिन फर्स्ट बार हम भी इस गाजर को बना रहे हैं हलवा। इससे पहले इस गाजर को नहीं बनाए थे, जो रेड वाला होता है उसका बनाते थे। तो चलिए आप लोग लाइन पर बने रहिए और देखिए वीडियो का एंड तक। तो देखिए इसका कलर कुछ इस तरह से, और फ्राई भी हो रहा है एकदम, अब लगता है से हो चुका है। पर चलिए अब इसको इतना भूजेंगे, इसको भूजने पे ही टेस्ट अच्छा आता है, तो हम भूज रहे हैं अच्छा से। अब चलिए चलते हैं, दूध भी लिए हैं 1.5 लीटर के आसपास, ये मेरा दूध है। तो देखिए, और हम इसको कुकर में डाल के अच्छे से खोला दिए हैं। अब जो है इसमें, हाँ देखिए, उससे कम दूध मत लीजिएगा, इससे ज़्यादा ही लीजिएगा, ना कि कम लीजिएगा। अब हम इस दूध में पूरे गाजर को डाल दिए हैं, देखिए कुछ इस तरह से पूरे गाजर को हम दूध में के डाल दिए हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से लग रहा है, पूरे गाजर को हम डाल दिए हैं दूध में। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। तो देखिए कुकर को हमको बंद कर देना है। कुकर बंद करने के बाद इसको कम से कम हमको 3 से 4 सीटी तो लगाना ही कम से कम, क्योंकि हल्का हल्का सूखा सूखा हो गया है कभी, क्योंकि अभी का मौसम में कोई भी साग सब्जी पता नहीं क्यों बहुत जल्दी सूख जाता है, बिना फ्रिज के रहता है। तो चलिए हम यहाँ गैस पर चढ़ा दिए हैं और इसको अच्छे से सीटी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा किशमिश और ये दोनों है, जो अब यहाँ पे देखिए कुकर में 4-5 सीटी लग चुका है। और कुकर को, गैस को हम बंद भी कर दिए हैं। अब हम इसमें अच्छे से, जिससे दही दाल मचते हैं उसी से हमको मथना है, क्योंकि ये पूरे जैसे देख रहे हैं ना, ऊपर में सोंसे है पूरे, उसी तरह से मतलब पक गया है, अच्छे से सीख गया है, लेकिन ऊपर मिसा हुआ नहीं है दाल की तरह। तो हम इसको अच्छे से मिस देंगे, लेकिन इसे रखना नहीं है, इसको 1 से 2 दिन में पूरे ख़त्म कर लेना है, खा लेना है, क्योंकि ये नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा गीलापन है, रस सा रह गया है, तो उसे हाँ मुश्किल से 1 से 2 दिन रहेगा। अगर आपके पास फ्रीज है तो आप 4-5 दिन रख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे जैसे दाल को हम मथते हैं उसी तरह हमको इसको रही से मथ देना है। हम लोग इसको रही बोलते हैं, दाल घुटते हैं उसको, तो उसी तरह जैसे दाल घुटते हैं उसी तरह इसको भी हमको घुट देना है। देखिए कुछ इस तरह से, अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर एकदम खुशबू दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम किशमिश डाल देते हैं और इलायची दोनों डाल देते हैं, इलायची टेस्ट लाता है इसकी वजह से। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इस किशमिश को और ये इलायची को, दोनों चीज़ को डाल देंगे। और कुछ दिक्कत आती होगी आप सबको, मेरा बाबू परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी आवाज़ में, तो आप सब माफ़ करिएगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो चलिए यहाँ हम किशमिश और इलायची दोनों चीज़ डाल दिए। अब हम अपना टेस्ट के हिसाब से चीनी डालेंगे, कम या बेसी कर सकते हैं, जो जैसा स्वीट्स खाता है, मीठा खाता है, वो वैसा डाल सकता है, कोई बात नहीं। तो हम इतना में देखिए इतना चीनी लिए हैं,
तो अब हम इसमें डाल देते हैं, यानी कि 2 किलो गाजर है तो आप उसमें 250 ग्राम चीनी डालिएगा। हम लोग ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं और दूध में भी पानी नहीं दिए थे, तो बस। और देखिए ये गाजर बनके तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। मैं खा के भी टेस्ट करके भी देखी हूँ, तो आप लोग ज़रूर एक बार बनाइए। और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर